आजकल एक टर्म हमारे सबके सामने बहुत बार आ जाते हैं, वो है डिप्रेशन। किसी को कुछ नहीं मिला तो वो दुखी हो गया, या कुछ ना मिलने के कारण, खो जाने के कारण दुखी हो गया। क्या यही है डिप्रेशन? जी नहीं, ये है एक मेंटल इलनेस, और जो इंडिया जैसे देशों में बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, क्योंकि आज भी इसे पागलपन माना जाता है कोई भी मेंटल इलनेस को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड न्यूरोसाइंस के अनुसार 9.8 मिलियन लोगों ने, और टीनेजर्स मैक्सिमम फेस करते हैं ये डिप्रेशन। लोगों के बीच में रह के भी तन्हा रहने की चीज़ें ही होते हैं डिप्रेशन। क्या है इसका सिम्टम्स और कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं, यही लेके आज के हमारे वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एडुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन लेके। कुछ चीज़ों को ना मिलने से दुखी रहना, तो ये एक नॉर्मल रीज़न है। इस चीज़ को हम लोग डिप्रेशन नहीं कह सकते, लेकिन किसी वजह से, किसी जटिल परिस्थितियों से गुजरने के टाइम में कोई चले जाते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से, किसी का जन्म से उनके साथ रहते हैं। उसके बाद जब जटिल परिस्थितियां आ जाते हैं, तब उनके अंदर के कोई केमिकल रिएक्शन, ब्रेन के अंदर के केमिकल रिएक्शन उनको पहुंचा देते हैं ये डिप्रेशन में। दुखी रहने के मतलब या नींद ना आने के मतलब डिप्रेशन नहीं, लेकिन ये टर्म्स ज़्यादा हो तब चले जाते हैं डिप्रेशन में। कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लेके आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ सैडनेस, दुखी रहना। कुछ चीज़ों को खो जाना, नहीं मिलना, इस कारण से दुखी रहना, ये बात नॉर्मल है। लेकिन यही तनाव, यही दुखी रहना अगर लॉन्ग टर्म चलते रहे, किसी भी काम के अंदर में भी काम कर रहे हैं तब भी वही सोच, वही दुखी भाव अगर चलते ही जा रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके अंदर में धीरे धीरे डिप्रेशन ग्रो कर रहा है। दुखी रहना हम लोगों के स्वभाव में है, लेकिन दुखी रहने की, दुखीपन को ही अगर हम लोग गले लगा लें हर काम में, हर चीज़ में वो दुख हमारे साथ रह रहे हैं, तो एक पॉइंट सोचने के हैं। नेक्स्ट जिस पॉइंट को हम लोग सोच रहे हैं वो है फियर ऑफ सोशलाइजेशन। लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ में चलने की आदत आज के दिन में हम लोगों के कम है, लेकिन तब भी किसी से बात करने से डरना, या कोई भी सोशलाइजेशन से, किसी गैदरिंग से, हर किसी के सामने जाने से अगर हमें डर लगने लगे, तब भी सोचने वाले बात है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग सोशलाइज्ड है, अगर हम सोशल नहीं रह पा रहे हैं, दूर रहना चाहते हैं सबसे, इसका कोई ना कोई कारण है। किसी से डर लगता है, लग सकता है हम लोगों को कि इस वजह से, कारण से, लेकिन वही कारण अगर स्टे कर रहा है आपके मन में, तब सोचने वाले बात है। नेक्स्ट वन इज इंसोम्निया। आप लोग कोई चीज़ों को लेके सोचे, या मैं भी सोचूं, तो हमारे अंदर में नींद ना आने के कारण हो सकता है, लेकिन वो एक दिन, दो दिन, रात रात भर किसी के नींद ना आना, दिन भर तो उनको लग रहा है कि हम सो जाते तो अच्छा है, लेकिन रात रात भर सो ना पाना, कुछ चीज़ों को सोचते रह जाना, ये रीज़न ऑफ डिप्रेशन है। जहाँ पे हम लोग लेटे तो रह सकते हैं, लेकिन जो, जिसे हम नींद कहते हैं, स्लीपिंग, उस स्लीपिंग कंडीशंस हमारे अंदर में नहीं आते हैं, एक ड्राउजीपन में सोते हैं फिर उठ जाते हैं, इस तरीके से अगर ये कंटिन्यू चल रहा है, देन यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के साथ, कोई भी साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करना मतलब ही पागलपन है, और भी रीज़न हो सकता है, डिप्रेशन भी एक ऐसा ही रीज़न। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो लेज़ीनेस। लेज़ीनेस तो सबके अंदर में आ सकता है, कोई सोना चाहते हैं कुछ देर तक,
नहीं उठना चाहते हैं, लेकिन हर काम को करने की ना इच्छा, कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ पड़े रहना है, सब काम है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ दिखा के चुपचाप पड़े रहना, अपने कमरे में खुद को बंदी कर लेना, ये वन टाइप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, जहाँ पे कोई भी काम करने की अनिहा हो। हाँ, हमारे अंदर में हो सकता है कि नींद से नहीं उठ रहे हैं, एक दिन ना सोए पाए हैं तो दूसरे दिन काम करने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म अगर चलते रहे तब सोचने वाले बात है, तब सच में इस सारे सिम्टम्स को हम लोगों को मान के चलना चाहिए। तो मैं चार रीज़न आपको बताई हूँ, नेक्स्ट भी कुछ रीज़न बताने वाली हूँ, वीडियो को आगे तक देखिए, स्किप मत कीजिए, ये मैं बता देना चाहती हूँ, नहीं तो आप मिस करेंगे कोई एक रीज़न को और हो सकता है वहीं से कुछ प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट वन रीज़न जो है वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। काम करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, लेकिन सोच कुछ चीज़ों को लेके, जिस चीज़ को लेके हम लोग दुखी रहने की बात कर रहे थे पहले सिम्टम्स में, उसी गई वही दुखीपन चल रहा है, तो कोई भी काम कर रहा है तो उसमें मन नहीं लग रहा है, कोई भी कामों में अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, और ये कोई एक दो दिन के मामले नहीं है, कंटिन्यू अगर चल रहा है, मैं हर बार कह रही हूँ हर एक सिम्टम्स को, ये मेडिकल साइंस के द्वारा प्रमाणित सिम्टम्स को मैं लेके बात कर रही हूँ आज, तो इस वजह से कोई एक दो दिन में एक सिम्टम्स आ गया तो हमारे डिप्रेशन हो गया, ऐसे मत सोचिए, अगर ये कंटिन्यू चल रहा है मोर देन 2 वीक्स देन ओनली यू नीड टू कंसल्ट विद अ साइकियाट्रिस्ट। यही बात मैं कहना चाहती हूँ, हर एक काम, हो सकता है कोई एक कामों में आपका आज मन नहीं लग रहा है तो इसके मतलब आप डिप्रेशन में है, ऐसा नहीं, हर किसी के अंदर में रह के, हर सबके साथ में रह के खुद को अलोन फील कर रहे हैं, अ लॉन्ग टर्म यू कैन नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन एनी वर्क, यू कैन नॉट एबल टू स्लीप, यू कैन नॉट एबल टू बी स्टेबल मेंटली, हर टाइम किस दुखी बन रहा है, एक एंग्जाइटी, मूड ऑफ, किसी से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी बात कोई कर रहा है और आप उसमें रिएक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके मन में बहुत ज़्यादा कुछ लेके डर है, तनाव है, तो आप किसी चीज़ को भी पसंद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा अगर हो रहा है आपके साथ तो वो भी रीज़न ऑफ द डिप्रेशन। हम लोग हमारे इस गुस्से को लेके बात करें तो वो एक तरफा की एक मानसिक बीमारी है, किसी चीज़ में आप गुस्सा क्यों करेंगे, गुस्सा करने से तो आपकी ही क्षति हो रहा है ना, क्यों आप कर रहे हैं, एक्चुअली द रीज़न इज़ देयर, दैट इज़ अ मेंटल डिसबैलेंसिंग। अगर ये सारे चीज़ें चलते रहे और धीरे धीरे आपको, हम कोई काम के नहीं हैं, हमारे कोई भी ज़रूरत दुनिया में नहीं, ये सोच आपके अंदर में आ रहा है, दैट इज़ द टेंडेंसी ऑफ सुइसाइडल, दिस इज़ द टर्म्स ऑफ सुइसाइडल थॉट्स, तो ये सारे चीज़ है the symptoms of our, the reason of our depression. Now, how can I overcome? We have to overcome this. इस तरीके से हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर में ये सोच आ रहा है, पहला काम जो खो चुका या जो नहीं मिल रहा है उसको तो आप ला नहीं सकते हैं ना, कोशिश कर सकते हैं, अगर वो कोशिश कामयाब नहीं हो रहा है लॉन्ग टर्म, उसी के पीछे रहेंगे तो डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो इससे अच्छा है टू अवॉइड दैट, गिव सम मोर अटेंशन टू एनी टाइम्स, एनी टाइप ऑफ वर्क जो आपको पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है, आपको पिक्चर बनाना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, जिस चीज़ में पसंद है उस चीज़ में चले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहिए। देखिएगा आप ज़्यादा काम करेंगे तो थकान एक चीज़ ऐसा है, मेंटली अगर नहीं आए, शारीरिक दिख से भी थकान ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए ना तब भी नींद आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों अगर आप करने लगे, लोगों के साथ मिलने की कोशिश,
हाँ किसी चीज़ से कोई क्वेश्चन करता है तो हमारे मन में होता है कि ये हमें ऐसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए या उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए सबके सामने। वैसे अगर आप सबके सामने आ सकते हैं, देखिएगा आपकी भी ज़रूरत है इस दुनिया में, जब आप ये महसूस करेंगे देन यू कैन एबल टू ओवरकम दिस डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बीमारी है तो इसका इलाज भी है हमारे हाथ पे, सबके साथ। अगर आसपास में आपके किसी के साथ है तो आप उनके साथ रहिए, देखिएगा इस तरीके से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़ तो ज़रूरी है, इसको पागलपन नहीं, न्यूरोसाइंस में जो मेंटल इलनेस के बारे में बताया गया है, अगर ये टीनेजर में ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मैक्सिमम कारण होता है उन लोगों के पढ़ाई को लेके या और किस चीज़ों को लेके, तो उसमें आप साथ दीजिए उनके। इसी तरीके से वी कैन एबल टू ओवरकम। यही था आज के मैसेज जो मैं इस वीडियो के द्वारा आप तक शेयर करना चाहती थी, कन्वे करना चाहती थी। की ऑफ एडुकेशन जो एक एडुकेशनल साइड है तो हर चीज़ों में एडुकेशनल चीज़ें ही लेके आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने जाने पहचाने लोगों के साथ सोशल मीडिया के द्वारा और किसी भी तरीके से। और अगर ऐसे वीडियोस आपको और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। नए वीडियोज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।